भारत लाइव देख रहे हैं आप और भारत लाइव में खबरों का सिलसिला, खास करके उन खबरों का जो भीतर से निकाल करके रखी जाती है आपके सामने, वो अधिकांश आपको देखने को मिलती है। राजनीतिक खबरों का ये ऐसा अखाड़ा है, ऐसा अड्डा है जहां आपको पूरी संतुष्टि मिलती है, ऐसा आप खुद कहते हैं। आपको बता दें कि ऐसी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं जिस खबर को आप भुला रहे थे, लेकिन कुछ लोग हैं, ये काफ़ी संख्या में हैं, जो अपने ही किए पर पछता भी रहे हैं। आपको बता दें कि आज से 2 महीना पहले एक विलय हुआ था। अभी से विलय कहें या मिलन कहें, इसलिए कि उस समय भी इस पर विवाद था। एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि ये विलय है, वहीं दूसरी तरफ इसे मिलन कहा गया था। खुद जो विलय और मिलन कर रहे थे उनको भी इस बात पर संदेह था, संशय था, और संशय तो तब से शुरू हो गया है जब से इस बार चुनाव के परिणाम आए हैं। नीतीश कुमार जी और अपने छोटे भाई लव कुश समीकरण के योद्धा, जिसको कहा जाता है योद्धा कह के उनके लाया गया था, उपेंद्र कुशवाहा का मिलन हुआ या विलय हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हुआ। और होने के बाद बहुत सारी बातें कही गई थी। खुद विलय के या मिलन के समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहते हुए कि आज से और अभी से ये फुल फॉर्म में रहेंगे। एक तरह से नीतीश कुमार ने अपने बाद की कुर्सी उन्हें दे दी, पदवी दे दी, और उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बना दिया। लेकिन संसद में नहीं रह के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना देना किसी बाहरी आदमी को, ये 16 के 16 सांसद कैसे स्वीकार कर लेते हैं? इस बात पर अभी कोई विवाद नहीं सामने आया है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ नाम का पद उपेंद्र कुशवाहा के पास है। इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का सिलसिला भी थम गया है। एक बयान उन्होंने दिया जिस पर काफ़ी बखेड़ा हुआ, और यह बखेड़ा इतना हो गया कि उनको संट होना पड़ा। कहीं ना कहीं इस संटिंग होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच 36 का आंकड़ा है। आंकड़ा तो 36 का नीतीश कुमार के साथ भी रहा है। कभी नीतीश कुमार के कारण एनडीए छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा जब अस्त के समय जा रहे थे, हालांकि राजनीतिक रूप से ये उनका उदय था, क्योंकि हार के बाद कहा जाता है कि आने वाले मैच की तैयारी और ज़बरदस्त ढंग से होती है। महागठबंधन के साथ वो 2019 का चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पूरी तरह से, हालांकि महागठबंधन ने पूरा सम्मान दिया, 5-5 सीटें इन्हें दी, लेकिन परिणाम क्या हुआ ये आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, और विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अपनी शर्तों को नहीं मनवाने के कारण महागठबंधन से अलग हो गए। कई लोग बिखर गए, कई लोग साथ रहे। जो बिखर गए उनमें से कई लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला, कई लोग जीत भी गए, और आज वो कहीं ना कहीं विधायक हैं। अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के पास अवसर और समय बहुत कम था। उन्होंने एक गठबंधन किया, सेकुलर फ्रंट बनाया, ग्रैंड अलायंस बनाया, और इस ग्रैंड अलायंस को भी कुछ सीटें मिल गई। इस ग्रैंड अलायंस में 6 सीटें मिली, 5 सीटें AIMIM को मिली और 1 सीट बसपा को मिली। आज बसपा के एकमात्र जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं, यानी कि जहां उपेंद्र कुशवाहा खुद गए हैं वहीं हैं। अब 5 जो उनके अलग साथी थे वो इनसे छूट गए हैं। एक बड़ा धड़ा उनसे छूट गया है, जो कहा जा सकता था कि इस गठबंधन के एलाइज का 6 सीट है, अब कोई भी सीट उनके पास उस गठबंधन का गठबंधन ही नहीं रहा, और उपेंद्र कुशवाहा खुद नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई है कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के प्रस्ताव को, जबकि उस प्रस्ताव को फॉरवर्ड करके नीतीश कुमार ने भेजा था, उसको अभी तक पेंडिंग में डाल दिया है। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि वो अस्वीकार हो गया है, और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के ऐसे सैकड़ों जो पदाधिकारी थे, हजारों के संख्या में जो उनके कार्यकर्ता थे, और लाखों के संख्या में उनके जो समर्थक थे, उन सबों को बड़ी झटका लगा है। उपेंद्र कुशवाहा खुद चुप हैं, दिल्ली में जाकर बैठे हुए हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि वो कब एक अच्छे संकेत के साथ, अच्छे संदेश के साथ बिहार आए। उनके साथ के लोग जो उनके लिए जान देने तक तैयार थे,
वो सारे लोग अब मायूस हैं और अपने असमंजस में पड़े हुए हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को इस विलय और मिलन से बहुत कुछ मिल गया। एक तो उसी दिन उन्हें जो पद मिला वो हमने आपको बता ही दिया, हमने पहले उसी दिन बता दिया था कि MLC बनेंगे, और इतना ही नहीं, हमने तो मंत्री बनने तक की बात कही थी, वो अभी पेंडिंग है, वो भी बहुत जल्दी नज़र आएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोग थे, जिन्होंने RLSP का गठन करवाया, उसके फाउंडर मेंबर थे, उसमें से बहुत सारे तो उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले के विरुद्ध थे, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा की बात मानी, साथ हो गए, और कहा गया कि उन्हें भी सम्मान मिलेगा। तब नीतीश कुमार ने भी कहा था, पर आज तक वो वेट ही कर रहे हैं, इंतज़ार ही कर रहे हैं, और इंतज़ार आप समझते हैं कि क्या होता है, जो इंतज़ार होता है वो कहीं ना कहीं आदमी को हाशिए पर ले जाता है और सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण हो जाता है। कई लोग डिप्रेशन में हैं, नाम नहीं बताने के स्तर पर कई लोगों ने भारत लाइव से बात करते हुए बहुत कुछ कहा है, और यहाँ तक कहा है कि क्या कहा जाए, ये फैसला जो है हमने गलत ले लिया। हमारी जो पहचान थी वो एक लंबे समय से चल रही थी, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं लेकिन हमारी पहचान शून्य होती नज़र आ रही है। खैर, लड़ाई अभी लंबी है और लड़ाई हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जब पटना आते हैं तो उनके जो साथी हैं, जो अब तक हाशिए पर हैं, अब तक उन्होंने इंतज़ार ही किया है, उपेंद्र कुशवाहा को तो मिल गया, इन्हें कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या नीतीश कुमार ऐसी परिस्थिति में, जब खुद इस द्वंद्व में हैं कि वो क्या फैसला लें, कौन सा फैसला उनके लिए ठीक होगा, वैसी स्थिति में क्या उपेंद्र कुशवाहा के इस आवेदन और अर्जी पर RCP सिंह से हस्ताक्षर करवा पाएंगे, क्या होगा, क्या सोच रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने आपके सामने ये पूरा मामला रख दिया। अब आप आगे क्या सोचते हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने लोगों को न्याय दिला पाएंगे, जो आपके मन में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि आप कितना ज़्यादा इन चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट रखते हैं और बिहार की राजनीति में आप क्या कुछ जानते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।